हरियाणा का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में कोई जेलर की नौकरी छोड़कर आया है तो किसी ने पहलवानी के रिंग से सीधे राजनीति में एंट्री मारी है और कोई जेल से ही नामांकन करने पहुंचा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो हार जीत से पहले ही चर्चा में हैं। इनमें कई ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। शुरुआत मशहूर पहलवान विनेश फोगाट से करेंगे। विनेश अब कांग्रेस के टिकट पर झुलाना से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के टिकट पर पहलवानी छोड़ करके सीधे चुनावी मैदान में पहुंचे विनेश फोगाट इस चुनाव का चर्चित चेहरा है। हरियाणा चुनाव के कुछ चर्चित उम्मीदवार हैं, उनका नाम फटाफट आपको बता दें। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने झुलाना सीट से टिकट दिया। पेरिस ओलंपिक में फाइनल्स में पहुंच करके अचानक बाहर हो गई थी। ओलंपिक से लौटी विनेश कांग्रेस में शामिल हुई। विनेश को विधानसभा का टिकट भी मिला। विनेश के सामने आपकी कविता दलाल है, जेजेपी के मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा है। अब बात दूसरे चर्चित उम्मीदवारों की कर लेते हैं। इसमें नंबर आता है आपकी उम्मीदवार कविता दलाल का, जिनको आम आदमी पार्टी ने झुलाना से उम्मीदवार बनाकर उतारा है। हरियाणा चुनाव के चर्चित उम्मीदवार कौन कौन है ये बता रहे हैं आपको। राजनीति के रिंग में उतरी कविता दलाल उर्फ लेडी खली मशहूर पहलवान और महिला WWE में जाने वाली पहली भारतीय महिला पहलवानी में कविता दलाल जाना पहचाना नाम, अब चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। कविता दलाल को लेडी खली के नाम से जाना जाता है। आपने जींद की झुलाना सीट से उम्मीदवार उन्हें बनाया है। कविता का मुकाबला दूसरी मशहूर पहलवान विनेश फोगाट से है। अब बात महम विधानसभा सीट की कर लेते हैं। कांग्रेस ने महम सीट से आनंद दांगी के बेटे बलराम दांगी को टिकट दिया। आनंद दांगी महम से कई बार विधायक रहे हैं। 2014 की मोदी लहर में भी आनंद दांगी महम से जीते। 1991 के बाद 2005, 2009 और 2014 में भी आनंद सिंह दांगी महम से चुन करके विधायक बने, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर से आनंद दांगी पर ही भरोसा जाहिर किया। उनके बेटे बलराम दांगी को टिकट देकर बीजेपी ने इस बार महम से कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुडा को टिकट दिया। बीजेपी ने दीपक हुडा को महम से उम्मीदवार बनाया है। दीपक हुडा जाने माने कबड्डी खिलाड़ी हैं। हुडा भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। दीपक ने मशहूर बॉक्सर स्वीटी बोरा से शादी की है। दीपक और स्वीटी 6 महीने पहले ही बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं। हरियाणा के चर्चित प्रत्याशियों में एक चरखी दादरी से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सांगवान की भी खूब चर्चा हो रही है। हेवीवेट सुनील सांगवान के बीजेपी कैंडिडेट बनने के बाद दादरी सीट सुर्खियों में है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां पर कमल खिलाने के लिए पहलवान बबीता फोगाट पर दांव खेला था, लेकिन वो 24,000 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रही। अब बीजेपी ने सुनील सांगवान पर दांव खेला है। चरखी दादरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जेलर की नौकरी छोड़ करके सियासत में वो पहुंचे हैं। चुनाव से पहले गुरुग्राम की भोंसी जेल के जेलर रह चुके हैं। चुनाव लड़ने के लिए जेलर की नौकरी से VRS उन्होंने लिया। 1 सितंबर को ही उनका VRS स्वीकार किया गया। 3 सितंबर को बीजेपी में वो आए। 4 सितंबर को टिकट मिल गया। सुनील सांगवान पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं। सतपाल सांगवान कभी बंसीलाल और भूपेंद्र हुडा के करीबी रहे। 1996 में बंसीलाल के बाद हुडा सरकार में वो मंत्री भी बने। आपको बता दें सुनील सांगवान के सामने कांग्रेस ने मनीषा सांगवान को टिकट दिया। अब बात सोनीपत की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त सुरेंद्र पवार चर्चा में क्यों हैं ये भी आपको बताते हैं। कांग्रेस ने सोनीपत से मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र पवार ने जेल से नामांकन फाइल किया। ईडी ने अवैध खनन के मामले में सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया हुआ है। सुरेंद्र पवार फिलहाल जेल में ही है। टिकट मिलने के बाद उन्हें अंबाला जेल से सोनीपत लाया गया। सुरेंद्र को नामांकन कराने के लिए सोनीपत लघु सचिवालय भी लाया गया। अब बात हरियाणा की सबसे चर्चित सीट गढ़ी सापला किलोई की, जहां भूपेंद्र हुडा के सामने बीजेपी के उम्मीदवार मंजू हुडा हैं। मंजू हुडा क्यों चर्चित उम्मीदवार हैं ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल मंजू हुडा गढ़ी सापला किलोई से बीजेपी उम्मीदवार हैं। पूर्व CM भूपेंद्र हुडा के खिलाफ लड़ रही हैं। चुनाव मंजू के पिता पुलिस अधिकारी रहे हैं। पति राजेश हुडा हरियाणा का एक गैंगस्टर रहा है। कई साल वो जेल में सजा काट चुका है। राजेश पर हत्या, डकैती और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। हालांकि मंजू हुडा इस पूरे मामले में सफाई देती फिरती हैं कि अब वो बदल चुके हैं और पिछले कई साल से वो समाज सेवा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में सभी 90 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 8 अक्टूबर की वोटों की गिनती होगी और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इस बार हरियाणा में 5 प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है।